साथियों नमस्कार। साथियों जो हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ है अति दुखद है। पीछे से आके स्पीड में जिस तरह से गाड़ी चढ़ा दी है, ऐसे तो कोई कीड़े मकोड़े पे भी गाड़ी नहीं चढ़ाता। इतना दर्दनाक हादसा देखने सकता है आदमी, जो हाल वहाँ पे किया है, कुचल डाला है लोगों को। और उसके बाद वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, हमें रास्ते में कल पकड़ लिया। और आप लोगों ने उसका जो एक्शन दिखाया है, उसकी जो ताकत और जो एकता का परिचय कल आपने दिया है, जगह जगह आपने जाम लगाए हैं और नेताओं का घेराव किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद नहीं है सर। आप सभी के हमारे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों में हम आपकी तारीफ करें। आप सभी का बहुत अच्छा परिचय दिया, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह पे आपने जाम किया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही जो मंडियां हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है और बुरा हाल है किसानों का। मंडियों में 25 क्विंटल की जो खरीद है वो तुरंत उसकी लिमिट हटाई जानी चाहिए। और जो पोर्टल वाली बात है वो तुरंत हटा देनी चाहिए। और कई तरह की शर्तें उसमें खरीद में लगाई गई है, तुरंत सारी शर्तें हटा दें और खरीद आज ही खरीद शुरू कर दें। हमारी चेतावनी है सरकार को, आज ही खरीद शुरू कर दें। और अगर आज खरीद शुरू नहीं करते हैं तो कल जो सभी नेता हैं उन सभी का घेराव कल कर लें। हमें बार बार जाम लगाने पड़ते हैं। हम सारे भाइयों से, सारी जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती, हमें खुशी नहीं होती लोगों को परेशान करके। हम जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते। माफ़ी चाहते हैं, बार बार जाम करना पड़ता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम करें क्या, सरकार हमें मजबूर करती है बार बार। और इसलिए जो कल का फैसला है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो दोषी हैं वो नेता लोग दोषी हैं, इन नेताओं को घेर लिया जाए, इन नेताओं के विरुद्ध सारा कुछ किया जाए। तो अगर आज खरीद शुरू नहीं होती है और 25 क्विंटल की जो कैप है वो सरकार नहीं हटाती है, पोर्टल के बारे कोई उसकी शर्तें नहीं हटाती है, और बाजरे का भी पोर्टल अभी तक नहीं खोला है, बाजरे के बारे में किसान बहुत दुखी हैं, तो बाजरे की भी जो भरपाई है वो बहुत कम है। बाजरा मंडी में 11-12 से बिक रहा है और पोर्टल नहीं खोला, सभी किसानों का बाजरा रह गया है। तो बाजरे वाले किसानों के ऊपर भी ध्यान दे सरकार। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजरे वाले किसान भी कल अपने क्षेत्र में नेताओं का घेराव करें और धान वाले किसान भी अपने क्षेत्र में सभी नेताओं का घेराव करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।